आज पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन किसी पर्व की तरह मनाया जा रहा है। कहीं 70 किलो का केक काटा जा रहा है तो कहीं उनके नाम से सोने का मुकुट चढ़ाया जा रहा है। वहीं कटिहार के आजमनगर प्रखंड के आनंदपुर गांव में ग्रामीणों ने पीएम नरेंद्र मोदी की विकास नीति से प्रभावित होकर लगभग 2 साल पहले ही उनका मंदिर बना दिया था। आज उनके जन्मदिन पर यहां उनकी प्रतिमा की पूजा कर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पीएम मोदी के विकास कामों से खुश होकर यहां के ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनका जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने मंदिर में साफ सफाई करते हुए उसे रंग बिरंगे गुब्बारों से भी सजा दिया। ये पूरे गांव का जो आदमी है ये मंदिर बनवाया है। 2-3 साल से इस मंदिर में पूजा होता है मोदी जी का। मेरे पंचायत का जो विकास नहीं हुआ था, जो आज काम प्रगति पे है और हम चाहते हैं कि और विकास हो। मेरे गांव में बिजली नहीं था, मेरा पंचायत में एक भी गांव में बिजली नहीं था, जो 1-2 साल से बिजली आया हुआ है। यहां का जनता बहुत खुश है मोदी जी से, मगर मैं मोदी जी से एक बार कहना चाहता हूं कि आपका इस ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका जो सरदार रखा है जनता ने, एक बार इस गांव को आके देखे। दरअसल बंगाल से सटे सीमांचल के इस सुदूर इलाके में आज़ादी के काफी समय बाद तक कोई विकास नहीं हुआ था, मगर पिछले कुछ सालों में गांव में पक्की सड़क, बिजली, शौचालय जैसी मूल सुविधाएं दी गयी। इसके बाद ग्रामीण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास का देवता मानने लगे। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग को। गांव का विकास हो रहा है, बिजली हो रहा है, सड़क हुआ और चारों तरफ हमारा गांव पर पिछड़ा था, अभी देख रहे हैं कि चारों तरफ सड़क बना। आपका कपंडा से, महेशपुर से, भवानीपुर से, जलुका से हम लोग का सड़क जुट गया गांव में। और मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, हम लोग आशा करते हैं कि मोदी जी इससे और अच्छा काम करे, उसका देश में नाम रहे। और उम्मीद लगाए हैं कि मोदी जी हमारा गांव को जो गोद में ले ले तो और अच्छा रहेगा, और मोदी जी हमारा गांव में आए इसलिए हम लोग बहुत खुश होगा। क्या आप लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम लोग कोई पार्टी से नहीं है, मोदी जी को अच्छा लगा इसलिए उसका हम लोग मूर्ति स्थापना किए हैं और अच्छा देश का प्रधानमंत्री है इसीलिए। कब से कर रहे हैं? 2-3 साल से कर रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि वे लोग बगैर किसी से चंदा लिए धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी के पैसों से ही आगे मोदी मंदिर को भव्य रूप देंगे। बस उनकी एक ही ख्वाहिश है कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी उनके गांव में आ जाएं तो उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी। मोदी जी का विकास, हम लोग बर्थडे इसीलिए मना रहे हैं कि हम लोग का गांव में विकास बहुत अच्छा हुआ है और आगे सोच के रखे हैं जो ऐसा प्रधानमंत्री रहेगा तो देश में जरूर विकास होगा। मेरा गाँव में बिजली का विकास हुआ, रोड का विकास हुआ, पुल का विकास हुआ है, शौचालय का 12,000 करके मिल रहा है हर गरीब को, और जाके किसान को भी मिला है, जाके 6,000 रुपया महीने ही मिला, सालाना मिल रहा है किसान। नहीं, पहले व्यवस्था ऐसा नहीं था, हाँ इसीलिए हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। अभी भी इस गांव में विकास होना काफी हद तक बाकी है। वहीं जब बात नरेंद्र मोदी की विकास नीति की हो तो नरेंद्र मोदी को भगवान मान चुके भक्तों की टोली की उनके प्रति ये आस्था बयां करने के लिए काफी है कि सुदूर इलाके के लोगों में विकास की नई उम्मीद जरूर जगी है। कटिहार से न्यूज के लिए रोहित की रिपोर्ट।